Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel all about civil. Guys, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ. आज हम सीखेंगे कि कॉलम में किस तरह हम स्टील फाइंड कर सकते हैं. स्टील फाइंड करना सीखेंगे हम बार बैडमी शेड्यूल ऑफ कॉलम एंड वेट. पहले हम एक कॉलम में स्टील फाइंड करेंगे, स्टील कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसका वेट निकालेंगे कि कॉलम में कितना वेट आता है. तो वीडियो एंड तक देखिएगा. मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप बहुत इजीली आप बार बैडमी शेड्यूल निकालना सीख जाएंगे कॉलम का. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें. चलिए शुरू करते हैं. अच्छा, ये मेरे पास एक ड्राइंग बनी हुई है. ये मैंने इसका टॉप व्यू लिया हुआ है, इस जिसमें मेरी फोर बार हैं और इसका डाया है 12 mm का. ये जो मेरी बार जा रही है, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल बार, ये मेरी फोर हैं. हम इसकी पहले एक कटिंग लाइन फाइंड करेंगे तो उसको हम नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये देखें, ये मेरा है एरिया, ये मेरी फुटिंग है, ये मेरी 2000 mm की है. उसके बाद फुटिंग के टॉप से पिलन के बॉटम तक जो मेरा एरिया बन रहा है वो है 900 mm का. फिर पिलन बीम मेरा 350 mm का है और फिर पिलन बीम के टॉप से और स्लैब के बॉटम तक मेरा 3000 mm का मेरा एरिया है. उसके बाद मेरी ये स्लैब ऊपर वो है 150 mm की. ठीक है, अब जो मेरे फुटिंग में जो स्टील यूज़ हुआ है वो हुआ है मेरा 8 mm का 150 सेंटर टू सेंटर बोर्ड साइड, मतलब मेरी मेन बार भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों 8 mm की है. सही है, इसका क्लियर कवर है 15 mm का, ओ सॉरी 50 mm का. ठीक है, मेरा यूज़ हो रहा है यहाँ पे. हम क्लियर कवर तो वैसे तो आपको ड्राइंग में मेंशन होगा, सब अलग अलग लेते हैं, 75 भी रखा जाता है हमारे क्लियर कवर, लेकिन मैं यहाँ पे 50 mm ले रहा हूँ. ठीक है, अब ये देखें, ये इसका जो हमारे पास स्लैब में जो हमारा स्टील यूज़ हो रहा है वो भी मेरे पास है 12 mm का स्टील यूज़ हुआ है और 150 सेंटर टू सेंटर. ठीक है, अब इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आप देखिएगा. पहले हम कटिंग लेंथ ऑफ वन बार, पहले हम एक लेंथ को हम एक लेंथ की कटिंग लेंथ ऑफ हम फाइंड करेंगे. ठीक है, ये 350 mm का मेरा ये एल यहाँ पे बैंड हुआ हुआ है. ठीक है, सबसे पहले हम इसको, ये हमें पर गिवन होता है, ये हमें मेंशन होता है हमारी ड्राइंग में, तो हम इसको यहाँ पे 350 लिखेंगे, प्लस करेंगे इसको हम फुटिंग से. अब हमने ये तो हमारा हो गया 350, हमें यहाँ से इस फुटिंग के बॉटम से फुटिंग के टॉप तक का स्टील फाइंड करना है. तो हमारे फुटिंग का एरिया है वो है 2000 mm का, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है. अब इसमें क्लियर कवर में माइनस कर रहा हूँ 50 mm का, वो मैंने माइनस कर दिया है. और फिर माइनस मैंने किया है इसमें, देखें मेरी ये जो मेन बार जा रही है ये 8 mm की है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार भी है वो भी मेरी 8 mm की है. तो यहाँ पे मैंने मेन बार 8 mm माइनस किया है और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 8 mm मैंने माइनस किया है. ठीक है, तो ये मैंने 2000 में से ये मैंने माइनस किया है क्लियर कवर, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार मैंने माइनस किया है. तो इस पूरे को कैलकुलेट करने पर जो मेरा आंसर आया है वो है 2284 mm. मैंने यहाँ से यहाँ तक की अपनी बार फाइंड कर ली है. ठीक है, वो मेरी बन रही है 2284 mm की. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2284, उसको मैं प्लस करूँगा मेरे फुटिंग के टॉप से और पिलन के बॉटम तक जो मेरा एरिया है 900 mm, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया.
अब पिलन मेरा है 350 mm का, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब पिलन के टॉप से स्लैब के बॉटम तक जो मेरा एरिया है 3000, जो मेरी डायमेंशन बननी है 3000 mm की, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब ये जो स्लैब में हम जो क्लियर कवर ले रहे होते हैं वो मिनिमम हम 25 ले रहे होते हैं, वैसे 20 mm भी लेते हैं। मतलब ये एक्सपर्ट ड्राइंग होता है जो आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर देना चाहे। मैं यहाँ पर 25 mm ले रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पर 25 mm ले लिया जो तकरीबन 1 inch मेरा क्लियर कवर बनेगा। तो मैंने इन सब को जो हमने कैलकुलेट किया है तो मेरा जो आंसर आया 6559 mm। मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक अभी मेरी फाइंड हो गई है एक बार, एक मेरी कटिंग लाइन फाइंड हो गई है। लेकिन अभी मेरा ये एरिया बचा है, ये जो बैंड हो रहा है, ये जो स्लैब में मर्च हो रहा है, स्लैब की स्टिक के साथ जो मर्च हो रहा है वही मेरा रहता है। वो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले मैंने आंसर यहाँ पे लिख लिया जो मेरा आ रहा था, अब मैं इसमें प्लस करूँगा। अब ये देखें यहाँ पे मुझे दिया है 50D, यहाँ पे तो मुझे गिवन किया हुआ है 350 mm का स्टील। अब यहाँ पे मेरा 50D मुझे स्ट्रक्चर ड्राइंग, मुझे जो मेरा स्ट्रक्चर इंजीनियर था उसने मुझे ये 50D लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये कितनी पेमाइश बन रही है इसकी, मुझे 50D लिया हुआ है। अब ये मुझे ख़ुद निकालना है किस तरह निकलेगा, तो इसमें वो कुछ वो नहीं है। ये 50 मैं लूँगा यहाँ पे, और डी जो मेरा रिप्रेजेंट करता है वो डाई ऑफ बार है। 50 लेके मैंने मल्टीप्लाई किया, डाई ऑफ बार मेरा क्या है 12 mm, यहाँ पे मेरा देखा सेक्शन पे मैंने लिखा हुआ है, वो मेरा मल्टीप्लाई उसको कर दिया मैंने 12 से, तो जो मेरा आंसर आएगा 600 आ गया। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे देखिएगा दो बैंड भी है, एक ये यहाँ पे ऊपर बैंड आ रहा है और एक ये यहाँ पे बैंड आ रहा है। तो हम दो बैंड हमारे आ रहे हैं, तो हम इसको माइनस करते हैं 2D से। जहाँ भी हमारा 90 का बैंड आएगा, 90 के बैंड के लिए हमेशा हम 2D माइनस करते हैं। देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है नीचे बैंड 90 degree ब्रैकेट में 2D। 90 के जो हमारा एंगल होता है, ये देखें यहाँ पे 90 का बैंड है, यहाँ भी 90 के बैंड के लिए हमेशा हम 2D माइनस करते हैं। अब बैंड आपका 45 का हो या 135 का हो या 180 का हो, उसके ये अलग अलग तरीके से माइनस होता है। किसी के लिए 1D होता है, किसी 3D होता है, लेकिन 90 के बैंड के लिए 2D होता है। या किस किस बैंड के लिए क्या क्या किस तरह माइनस होता है वो आगे वीडियो डाल दूंगा। अभी आप ये समझ लो कि 90 के बैंड के लिए 2D माइनस होता है। तो मेरे पास कितने बैंड हो रहे हैं यहाँ पे, एक ये बैंड हो रहा है मेरा यहाँ पे, एक यहाँ पे ये बैंड हो रहा है, तो मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2D अब माइनस होगा मेरा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, D रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा डाई ऑफ बार, मल्टीप्लाई बाय डाया मेरा कितना 12 mm का, ये आ गया। इन पूरे को कैलकुलेट करने पे जो मेरी एक कटिंग लेंथ बनेगी पूरे यहाँ से फुटिंग से लेके और जो ऊपर स्लैब तक आपकी मर्च हो रही है, वो मेरी एक कटिंग लेंथ जो यहाँ पे फाइंड की है मैंने 7111 mm की मेरी एक लेंथ बन रही है। ठीक है, अब हम इसको नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी एक 1 bar की थी कटिंग लाइन, अब हम 1 bar मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑफ बार मेरे पास 4 है, 4 bar यूज़ हो रही है मेरी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा 28,444 mm की मेरी 4 bar हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मीटर में भी मेरी बार आ गई, 4 bar आ गए। ठीक है, अब मैं इसका वेट कैलकुलेट कर लेता हूँ। वेट का फॉर्मूला है डाई स्क्वायर डिवाइड बाय 162 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, अब मेरे पास डाया कितना यूज़ हो रहा है स्टील में, यहाँ पे देखें 12 mm का, 12 का मेरा स्क्वायर होगा 144, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 162 से। ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा पर मीटर में जो मेरा केजी यूज़ होता है वो ये वो निकल के आ जाएगा 0.888 मेरा यह आ गया। ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ से, मेरी लेंथ क्या थी 280.444, उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये मेरा
ये 280 है, ये डॉट देख लीजिएगा, थोड़ा 28 है, ठीक है, ये 28.444, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा केजी निकल के आ जाएगा 25.2582, ये मेरा केजी आ रहा है, ठीक है। ये मेरा एक कॉलम का केजी निकल के आ गया 4 बार का। अगर आपके पास इसी डिज़ाइन के 10 कॉलम अगर या 10 है, 11 है, 12, जितने भी आपके कॉलम हैं उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास केजी निकल के आ जाएगा। वो केजी जितना भी आप केजी निकल के आए, वो केजी का आप ऑर्डर दो, वो स्टिल आ जाएगा, आप अपनी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो साइट पे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।